हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कैसे हम स्कैन करते हैं। मान लीजिए कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, कोई डॉक्यूमेंट्स हमें स्कैन करके भेजना होता है, तो हम कैसे उसको सेंड करेंगे दोस्तों। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मिलती रहें। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है आपको मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो आप चैनल पर जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास। ओके, एज अ सैम्पल इसको मैं आपको स्कैन करके दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर हम जाते हैं अपने प्ले स्टोर पे, ओपन करेंगे प्ले स्टोर, यहाँ सर्च बार पे टाइप करेंगे ओकन स्कैनर, ओकन स्कैनर टाइप कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये ओकन स्कैनर मेरे इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है दोस्तों। आप लोग इसको एंड तक देखें, तभी आप समझ पाएंगे कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो हमने यहाँ से ओपन कर लिया है। ओके, तो जैसे ही मेरे में इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल था, इसलिए मेरे इसमें डायरेक्ट ओपन हो गया ये। यहाँ पर हम कैमरा पे क्लिक कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको कैमरा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर परमिशन देनी पड़ेगी, अलाउ कर देंगे इसको, इसको भी अलाउ कर देंगे। ओके, और यहाँ से इसको स्किप कर देंगे। और यहाँ पर आप डॉक्स ये देख सकते हैं, आईडी कार्ड भी अपना, जैसे मान लीजिए आधार कार्ड, पैन कार्ड भी आप यहाँ से पीडीएफ में स्कैन करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स मैं स्कैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप इसकी लाइट ऑन कर लीजिए, फ्लैश भी ऑन कर सकते हैं आप। ओके, तो मैंने ऑन कर लिया है। अब मैं सिंपली इसको सेलेक्ट कर लूँगा ऐसे करके डॉक्यूमेंट को, और यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींच देंगे आप। जैसे ही आप फ़ोटो खींचेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑटो क्रॉप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कंटिन्यू दिखेगा राइट साइड में, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ओके, कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे राइट साइड पे, ये स्कैनिंग चालू हो गई और ये स्कैन हो चुका डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ऊपर आपको राइट साइड में डन का ऑप्शन दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर प्रोसेसिंग इमेज हो रही है, इमेज प्रोसेस। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्कैन हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना क्लियर स्कैन हुआ है ये देखिए। ओके, तो यहाँ पर आपको आगे क्या करना है, इसको आपको अपने गैलरी में सेव करना है जैसे। तो यहाँ पर आप यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे, ये शेयर का ऑप्शन दिख रहा है बीच में, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप शेयर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जैसे कहीं भेजना चाहते हैं तो शेयर कर सकते हैं एज ए पीडीएफ, शेयर जेपीजी भी कर सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए आप अपना गैलरी में सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे और ये सेव हो जाएगी। ओके, तो अब ये सेव हो चुकी है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।